नमस्ते दोस्तों, हम सादी फ्रॉक बनाना सीख रहे हैं और इस वीडियो से हम इस पर सिलाई करना सीखेंगे जो हमने ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग करने के बाद कपड़े की कटिंग करी और कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हम सिलाई करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सिलाई होती है, तो शुरू करें। ठीक है, नमस्ते। ये देखो, हमने ये फ्रंट कटिंग की है और बैक कटिंग की है। बैक के लिए हम पहले काज बटन पट्टी इसकी बना लेते हैं और आप देखते हैं इसमें कि मैंने कुछ लेस ली है। तो लेस चाहे तो आप यहाँ से ऐसे दो साइड पे सीधी लगा सकते हो या ऐसी एक आड़ी लगा सकते हो, जैसे आपको पसंद है वैसा। लेकिन ये दोनों साइड को सिलाई के पहले ये लगाना है। अगर आपको यहाँ लगाना है तो शोल्डर और नीचे का स्कर्ट लगाने से पहले लगाना है। चाहे तो आप बीच में भी ये लेस लगा सकते हो दोनों तरफ सिलाई डाल के, फिर भी ये पट्टी जो हम लगाएंगे उसके पहले हम लगा लेंगे। तो बाद में हम ये देखेंगे लगाते के समय, पहले हम देखते हैं कि कांच बटन पट्टी हम कैसे करेंगे। ये देखो, हमने पहले से ही जो कटिंग करके रखा था, एक ये हमारा मार्किंग था अंदर की तरफ का, जो हमारी लेफ्ट हैंड की पट्टी जो हमने खजका लगा के रखा था वहां से हम आधा फोल्ड कर लेते हैं। ये देखो, हमने ये आधा फोल्ड वहां तक कर लिया। अभी हम यहाँ एक सिलाई कर देंगे, तो इसको बोलेंगे हम बटन लगाने के लिए जो बढ़ाने की पट्टी जरूरत होती है वो हम ये पट्टी बना लेते हैं। हाँ, धागा हमने अभी कपड़ा चेंज किया, तो ज्यादा से हम तो कपड़े की रंग का ही धागा हम यूज करेंगे क्योंकि वो दिखने में फिर हमें अच्छा दिखता है। ये देखो, हमने किनार से एक टिप लगा दी और ये दूसरी सिलाई हम अभी लगाएंगे। जहाँ तक हमने खचका लगाया था वहां तक अंदर की तरफ हम ये फोल्ड करेंगे। हम ऐसा भी रख सकते हैं, अगर आपको चाहे तो यहाँ भी आप अंदर की तरफ से एक सिलाई डाल सकते हो। अभी हम ये अंदर एक सिलाई डाल देते हैं इसको, ताकि ये बार बार बाहर नहीं आ जाएगा। ये देखो, ये हमारे दो पार्ट हो गए। अभी ये हमने ऐसा रखना है इसको, इसके ऊपर ये जहाँ खचका है ये खचके को यहाँ खचका मिला के, ये देखो ये हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया। यह अभी हम थोड़ा सा एक जॉइंट के लिए एक थोड़ी सी सिलाई बीच में डाल देते हैं, ताकि ये हमें स्कर्ट बनाने समय जॉइंट ठीक लगेगा। ये अभी हमारा देखो बैक साइड हमारा पूरा हो गया। इसके ऊपर ये कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ऊपर कुछ नहीं। अभी इसको हम जो गले की पट्टी हमने काटी है, ये देखो ये दो पट्टी हमने काटी है नेक की, वो हम पहले एक लगा लेते हैं। ये देखो, ये नेक की पट्टी है, ये जो ऐसी इधर लगाएंगे ये दूसरी इधर लगाएंगे। लगाने से पहले ये भारे बाजू को हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। इसको भी हमने उल्टा सीधा का मार्किंग करके रखा है। ये बाजू से हम थोड़ा 5 इंच मोड़ के इसको बाहर सिलाई पहले डाल लेते हैं। थोड़ा सा मोड़ के, क्योंकि बाद में हम इसको हेमिंग करेंगे, या चाहे तो आप सिलाई भी बाद में डाल सकते हो। लेकिन अगर हमारा कपड़ा ज्यादा अच्छा है, साफ दिखना चाहिए, तो हम हेमिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये मैंने एक सिलाई इसको डाल दी, वैसे ही सेम सिलाई हम इसको समझने की कोशिश करिए। ये देखो, ये पट्टी है, ये अंदर का हिस्सा है इसका। हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरफ से, और यहाँ से भी हम थोड़ा सा ऐसा इसको फोल्ड करेंगे एल शेप में ही, और फिर इसको हम सिलाई डाल देंगे। ये देखो, ये आने के बाद यहाँ हम रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ कॉर्नर है। सुई नीचे रखेंगे, उठा के फिर घुमा के फिर हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई डाल देंगे। ये देखो, अभी हम देख सकते हैं कि हमारे दो पट्टी सिलाई करके तैयार हो गई है। ये देव पट्टी अभी हम, ये देखो, ये हमारा हिस्सा थोड़ा छोटा, ये छोटा लगता है, ये थोड़ा बड़ा लगता है। तो ये पट्टी हम ऐसे कोने के साथ इस पर रखेंगे, ये पट्टी, ये सिलाई ऊपर आएगी अपोजिट साइड में। ये देखो, ये इसके बराबर आ गया। ये थोड़ा सा जो ज्यादा आगे बढ़ा हुआ दिखता है वो बाद में हम फोल्ड अंदर की तरफ कर देंगे। काट भी सकते हैं? नहीं, काटने हमें फोल्ड ही करना है, क्योंकि अगर काटेंगे तो वो फिनिश में दिखेंगे नहीं, फोल्ड करेंगे तो वो बराबर दिख जाएंगे। अभी हम ये नेक शेप को भी वैसा ही स्क्वायर के हिसाब से हम पहले सिलाई डाल देते हैं। ये बराबर करके दोनों हमने नेक बराबर कर ली है, और इसके हिसाब से हम वो एक पैर की सिलाई लगा के और कॉर्नर को हम फिर से मशीन रुकाएंगे जैसे हमने पहले। ये देखो, यहाँ से फिर उठा के
ये केवल एक ही तरफ से सीन है? ये एक ही तरफ से, क्योंकि हमारे ये दो पार्ट है। फ्रंट का तो हम सेम फ्रंट का भी सिलाई करेंगे, लेकिन फ्रंट की एक ही पट्टी आ जाएगी। यहाँ हमने दो पट्टी काटी है, इसलिए ऐसा रख के फिर हम यहाँ से इसीलिए क्योंकि यहाँ से ओपन है इसलिए, और आगे के लिए ये बीच में हमने काट के रखा है, इसलिए ये दो पट्टी बीच में से हमने कटिंग करके रखी थी। अभी ये हम दूसरी पट्टी यहाँ से लगा देते हैं। ये देखो यहाँ कॉर्नर आने तक हमने रुका दिया, और फिर से हमने ये सीधी मशीन चला दी ऊपर की तरफ। ये देखो अभी आप देख सकते हैं ये दो पार्ट पूरे अलग अलग हो गए हमारे। ये होने के बाद यहाँ जो हमारा कॉर्नर है, दोनों तरफ चौकोन का जो कोना आता है, वहां हम एक छोटा सा खचका लगा देते हैं, ताकि हमारे वो जो सिलाई है वो बराबर अंदर की तरफ मुड़ेगी। ये देखो इसके बाद हम उस पर एक दाब सिलाई डाल देंगे। या देखो फिर से हमने मशीन रुका दी, उठा के फिर हमने ये इसको आप थोड़ा फोकस करके देखें कि किस तरीके से दाब सिलाई हमने डाल दी है, और ये पट्टी हम पूरा फिर अंदर फोल्ड कर देंगे इसको। एक सेकंड, ये मैं देखना चाह रहा था। अच्छा, ये इस तरीके, ये ऐसा दिखता है, और जब अंदर जाएगी हमारी पट्टी तो ये स्क्वायर बराबर हमें, ये देखो जहां तक हमने सिलाई डाली है वहां तक ये पट्टी हमारी बराबर अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। और फिर अंदर की तरफ से हम हेमिंग डालेंगे, या फिर हम यहाँ से भी फिर मशीन की सिलाई डाल सकते हैं। तो ये देखो उसी तरीके से आप जरा यही चीज फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे तरफ की पट्टी लगाई, यहाँ हमने जो खचका लगाया था उसके हिसाब से हमने ये एक फोल्ड करके, फिर यहाँ जो हमने पहले खचका दिया था वो खचका देख के ही हम सिलाई उसके ऊपर दाब सिलाई डाल देंगे। देखो ये पट्टी दिखने में ऐसी दिखती है, फिर ये हम बराबर अंदर की तरफ अगर ये हम फोल्ड करते हैं पट्टी, तो ये बराबर ये स्क्वायर शेप हमें मिल जाता है। और ये जो आगे पट्टी हमारी ज्यादा रहती है वो हम अंदर की तरफ ऐसे हेमिंग करते समय या सिलाई डालते समय ये मोड़ देते हैं। अभी हेमिंग कर सकते हैं क्या? हेमिंग भी अंदर की तरफ से, हेमिंग हमारी यहाँ से होगी, नहीं तो हम सिलाई डाल देते हैं। अच्छा, तो अभी हम सिलाई कर देते हैं। अभी हेमिंग का मतलब तुरपाई या हाथ सिलाई जो छोटे छोटे टाके बाहर से दिखने में वो अच्छा दिखता है। ये देखो ये हम ऐसे पहले फोल्ड करके हमारा स्क्वायर नेक नीचे से भी हमने बना दिया है। सेम हम ये दूसरा भी नेक बना लेते हैं, दूसरी पट्टी भी। बाद में उसको यहाँ से जो धागा जो दिख रहा है उसको वो बाद में हम काट लेते हैं। जो भी धागे हैं वो मशीन का हमारा काम पूरा होने के बाद हम ठीक तरह से सब धागे, ज्यादा जो एक्स्ट्रा रहते हैं धागे, वो हम काट लेते हैं बाद में। ये देखो ये हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया। जो अच्छा जो धागे थे वो हम ये धागे, हाँ ज्वाइंट था देखते हुए। हाँ, ये देखो ये हमारा फ्रंट बैक साइड कंप्लीट हो गया। नेक की पट्टी भी हमने लगाई, काज बटन पट्टी भी हमने लगाई। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही और अगले वीडियो में हम कुछ और सिलाई के चीजें हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।